मैजिकल टायर चोर। गणेश एक गरीब आदमी था। जो काम गांव में मिलता वो करता था और अपना गुजारा करता था। वो गरीब होने के साथ साथ काफी ईमानदार भी था। वो भूखा सो जाता था पर किसी से भीख नहीं मांगता और कभी चोरी भी नहीं करता था। एक बार गणेश दूसरे गांव जाते हुए जंगल से जाते रहता है, तब वो देखता है कि एक शिकारी तीर कमान से हिरण पर निशाना साधे हुआ था। तब गणेश कहता है, अरे कैसे निर्दयी लोग हैं इस दुनिया में, जो बेजुबान जानवरों को भी नहीं छोड़ रहे। कैसे भी करके मुझे इस हिरण को बचाना होगा। ये सोचकर गणेश हिरण के सामने आता है और तीर सीधा गणेश को लग जाता है। शिकारी ये सब देख कर डर जाता है और गणेश की मदद करने के बजाय वहां से भाग जाता है। गणेश दर्द में था पर फिर भी वो हिरण से कहता है, अरे हिरण तुम ठीक तो हो ना, तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं। तब वो हिरण अचानक से वन देवता का रूप लेकर कहती है, धन्य हो तुम गणेश, अपनी जान की परवाह न करते हुए मेरी जान बचाई और खुद की चिंता करने के बजाय मेरी चिंता करने लग गए। सच में मैं तुम्हारी बहुत ही आभारी हूँ। तब वन देवता गणेश को लगा तीर निकाल देती है। उसके जख्म को वो भर देती है। गणेश भी थोड़ी ही देर में खड़ा हो जाता है और वन देवता को प्रणाम करता है। तब वन देवता एक जादुई टायर प्रकट करती है और कहती है, गणेश मुझे तुम्हारी परिस्थिति का ज्ञान है, इसीलिए मैं तुम्हें ये जादुई टायर दे रही हूँ। ये जादुई टायर तुम्हारी पैसों की सारी मुश्किलें दूर कर देगा, ये मेरा आशीर्वाद है। ऐसा कहकर वन देवता गायब हो जाती है। गणेश उस जादुई टायर को घर लेकर आता है। गणेश जब उस टायर को घुमाता है तो उससे ढेर सारे पैसे निकलने लगते हैं, जिस वजह से गणेश बहुत ही खुश हो जाता है। गणेश वो सारे पैसे गरीब लोगों में बांट देता है। इस तरह से गणेश गरीबों का मसीहा बन जाता है। साथ साथ उस जादुई टायर से वो खुद की भी तरक्की करता है। लेकिन उसकी ये तरक्की गांव के जमींदार के आंखों में चुभने लगती है और वो कहता है, अरे ये गरीब भिखारी अब हमारी बराबरी करेगा। वैसे ये गणेश बेवकूफ है, जादुई टायर का इस्तेमाल खुद के लिए करने के बजाय गरीबों में दान धर्म करता फिर रहा है। जादुई टायर तो मेरे जैसे जमींदार के पास होना चाहिए, ना कि इस गरीब के पास। जमींदार गणेश के जादुई टायर को चुराने की सोचता है। उसी रात जमींदार चुपके से गणेश के घर में घुसकर गणेश का जादुई टायर चुरा लेता है और उसकी जगह पर नकली टायर रख देता है। जमींदार जादुई टायर पाकर खुश हो जाता है। दूसरे दिन एक अनाथाश्रम वाले गणेश से चंदा मांगने आते हैं। गणेश जी, हमने आपके बारे में बहुत सुना है। हमारे अनाथाश्रम के बच्चे शिक्षा से वंचित है, अगर आपकी मदद होगी तो बड़ी मेहरबानी होगी। अरे इसमें मेहरबानी की क्या बात है, वैसे आप लोग ही बड़ा नेक काम कर रहे हो अनाथ बच्चों को सहारा देकर। रुकिए, मैं अभी आपको पैसे देता हूँ जिससे आप बच्चों के शिक्षा का प्रबंध करेंगे। ऐसा कहकर गणेश अपने जादुई टायर के पास जाता है। वो जादुई टायर को घुमाता है पर उससे पैसे ही नहीं निकलते। तब गणेश चिंतित हो जाता है। अरे ये क्या, पैसे क्यों नहीं निकल रहे, अब मैं इन अनाथ आश्रम वालों को क्या जवाब दूंगा। लेकिन ये जादुई टायर काम क्यों नहीं कर रहा है, किसी ने जादुई टायर चुराया तो नहीं। ये सोचकर गणेश चिंतित हो जाता है। उधर जमींदार जादुई टायर से पैसे पाने के लिए उसे घुमाने लगता है पर उस वक्त टायर से पैसे निकलने के बजाय जमींदार ही खुद टायर में समा जाता है और गोल गोल घूमते हुए वो जादुई टायर जमींदार के साथ गणेश के घर वापस आ जाता है। तब जमींदार कहता है, अरे अरे गणेश मुझे बचाओ, ये जादुई टायर मेरी जान ले लेगा। अरे चक्कर आ रहे मुझे, इस टायर ने मुझे अपने साथ घुमा दिया। जमींदार की आवाज सुनते ही गणेश बाहर आ जाता है। वो देखता है कि जमींदार टायर में गोल गोल घूम रहा है। तब गणेश सारी बात समझ जाता है। तब तक गांव वाले भी वहां इकट्ठा हो जाते हैं। तब गणेश जमींदार से कहता है, ये क्या जमींदार जी, लालच में आकर आपने मेरा जादुई टायर ही चुरा लिया, आपको ये सब शोभा नहीं देता। तब गणेश उस टायर को रोक लेता है और जमींदार भी गणेश से माफी मांग लेता है। जमींदार सबसे माफी मांग कर वहां से रफू चक्कर हो जाता है। तब गणेश जादुई टायर को घुमाता है और उससे मिलने वाले सारे पैसे अनाथ आश्रम को दे देता है। वो लोग गणेश का धन्यवाद करके वहां से चले जाते हैं। इस तरह से गणेश उस जादुई टायर से सबकी मदद करते रहता है। क्रिकेटर। चंबलपुर नामक गांव में राम नाम का एक युवक रहता था। वो बहुत ही शरारती और आवारा फिरता रहता था। वो हमेशा मोबाइल फोन पर गेम्स खेलता रहता था।
ये देखकर उसके पिता ये करने से हमेशा मना करते रहते थे। एक दिन राम कहीं जा रहा था, रास्ते में उसे रानी नाम की एक खूबसूरत लड़की दिखाई दी। उस लड़की को देखते ही राम के मन में प्रेम की भावना जाग उठी। राम ने उस लड़की से विवाह करने का निश्चय कर लिया, इसलिए वो उस लड़की के लिए कुछ भी करने का ठान लेता है और चुपके से उस लड़की का पीछा करता रहता है। एक दिन राम को अपने मित्रों से पता चलता है कि रानी को क्रिकेट बहुत पसंद है और क्रिकेटरों में कोहली को वो बहुत पसंद करती है। ये बात जानकर राम कोहली के चेहरे वाला मास्क पहनकर घुटनों पर पैड्स पहनकर रानी के सामने आता है। रानी उसे बाहर देखकर चली जाती है। ये देखकर राम बहुत खुश होता है। अगले दिन राम क्रिकेटर की तरह वेश धारण करके दो गाड़ियों के ऊपर खड़ा हो जाता है और रानी को दिखाने के लिए गाड़ियों को तेजी से चलाने लगता है। रानी उसकी तरफ देख रही है या नहीं ये वो देखता रहता है। इतने में एक पेड़ रास्ते में आ जाता है। राम पेड़ की डाल से टकराकर नीचे गिर जाता है। ये देखकर सभी लोग उस पर हंस पड़ते हैं। रानी भी हंसते हुए वहां से चली जाती है। अगले दिन राम उसी तरह वेश धारण करके सड़क पर चलता रहता है। इतने में एक कुत्ता राम के पीछे पड़कर भौंकने लगता है और राम कुत्ते से बचने के लिए भागने लगता है। उस दिन भी रानी ये सब देखकर हंस पड़ती है। रानी के घर की बगल में क्रिकेट का मैदान होता है। हर दिन रानी वहां अपनी छत से क्रिकेट का खेल देखती रहती है। राम को अपने दोस्तों से इस बात की जानकारी मिलती है। राम को क्रिकेट खेलना नहीं आता, फिर भी वो रानी का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने के लिए क्रिकेट खेलने लगता है। क्रिकेट खेलते समय एक बॉलर गेंद डालता है। राम को उस गेंद का सामना कैसे करना है समझ में नहीं आता। वो पीछे की ओर मुड़ जाता है। इतने में गेंद उसकी पीठ पर तेजी से लगती है और उसे बहुत दर्द होता है, लेकिन राम अपने दर्द को छुपाने के लिए हंसते हुए दूसरी गेंद का सामना करता है। फिर से बॉलर तेजी से गेंद फेंकता है। इस बार बॉल पैर पर लगती है और ज्यादा दर्द होता है। तीसरी बार बॉलर गेंद डालता है। इस बार राम गेंद को हवा में उड़ा देता है। गेंद रानी के घर की छत पर जा गिरती है। इससे राम बहुत गर्व महसूस करता है। बहुत उत्साह के साथ राम अगली गेंद का सामना करने के लिए तैयार रहता है। इतने में गेंद दोनों पैरों के बीच में आकर लगती है। उसे दर्द तो बहुत होता है, लेकिन वो व्यक्त नहीं होने देता। अगली गेंद से पहले ही राम के पेट में गुड़गुड़ होने लगता है। इससे राम गेंद डालने पर गेंद को मारने की बजाय विकेटों को अपने बल्ले से गिराकर पेट पकड़कर भागते हुए रेस्ट रूम में चला जाता है। दूर से रानी ये सब कुछ देखकर खुशी से हंस पड़ती है और राम को पसंद करने लगती है। एक दिन रानी का सामना राम से होता है। तब रानी कहती है, हेलो, क्या मैं आपका नाम जान सकती हूँ? आप जो मेरे लिए इतनी मेहनत कर रहे हो तो देखकर अच्छा लगा। हाँ हाँ, मेरा नाम राम है। मुझे आप बहुत अच्छे लगते हो। अगर आपको कोई एतराज ना हो तो मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ। हाँ हाँ, मुझे आपसे शादी करने में कोई एतराज नहीं, लेकिन आपको जबरदस्ती कोहली बनने की कोई जरूरत नहीं है। आपका मनपसंद काम जो कोई भी हो, आप उसी को खुशी से कीजिए, तभी आप अपने जीवन में कामयाब हो सकते हैं। ये बात सुनकर राम की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। इतने दिनों से वो जो कोशिश कर रहा था उसमें कामयाब होकर वो बहुत खुश हुआ और मन ही मन कोहली को धन्यवाद कहने लगा। राम अपना मनपसंद खेल स्केटिंग मन लगाकर सीखने लगा। इस खेल में वो सबसे माहिर खिलाड़ी बन गया और स्केटिंग का कोच भी बन गया। इस तरह राम अपने जीवन में नाम और शोहरत कमाता है और रानी से प्रेम विवाह करके अपना जीवन खुशी से बिताने लगता है। अगर हमें अपने जीवन में कामयाब होना है तो हमें वही करना चाहिए जो हमें अच्छा लगता है। आपको हमारी ये कहानी सुनकर कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और यदि आप ऐसी ही और भी कहानियां सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया।